सो गाइज अभी बहुत ही हेवी काम करने जा रहे हैं, रस्सियां शस्सियां डंडे चंडे जो है ना बांस वगैरह सारे हम पूरे करके ले आए हैं। अभी जो है ना हमने उनको ऊपर लगाना है और यार बहुत ही मुश्किल काम है। ये है बांस और ये जो है ना पूरा इस तरह से फ्रेम बनेगा, ठीक है, इसी तरह से उठा के इसको ऊपर लगाना है। इस जगह पे जो है ना पूरा ये ऊपर तक ऐसे लगेगा इस तरह से, ठीक है। इस रस्सी के थ्रू जो है ना इसको पीछे से बांधना है इसके कोने जो है ना मजबूती के लिए, और यहाँ पे कील लगा के इसकी पूरी तार वगैरह लगा दिए। अभी जो मुश्किल काम ये है ना कि इसको उठा के ऊपर लगाना है और यहाँ पे दीवार के साथ इसको कीले लगा के ना पूरा ऊपर तक इस तरह लेके जाना है, और इसका जो कोना है उसको रस्सी के साथ बांध के पिछली साइड पे हम बांध देंगे ताकि हवा या तेज तूफान आता है ना उसकी वजह से ये हिल जाता है तो ये खराब ना हो सके। सो गाइज अभी हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है, वो ये है कि हमने इसके अंदर दरमियान में बिल्कुल जो है ना नाप करके कील लगाई है, और उसके साथ हम बिल्कुल नाप के साथ हमने रस्सी जो है ना वो बांध दी है। अब इसको पीछे लगाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ हम इसको कैसे लगाते हैं। चू मेरे पाँच। सो गाइज अभी जो है ना इसको ऊपर इस तरह से लगा लिया, ठीक है। अभी एक मैक यहाँ पे लगी है, एक इधर, और एक कील अभी यहाँ पे लगानी है, यहाँ से सपोर्ट देनी है और उस साइड पे भी एक लगेगी, और इस रस्सी को जो है ना पिछली साइड पे जाके मतलब बांधना है ताकि ये इस साइड पे गिरे ना। गाइस इसको लगाने के बाद जो है ना कबूतरों को ऊपर बिठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे कबूतर जो है ना इसके ऊपर बैठते हैं या नहीं। गाइस अभी मैं छत पे जो है ना चढ़ के आ गया हूँ और इस वाली रस्सी को यहाँ से करके इधर किस जगह बांधना है ठीक से। बड़े खतरनाक तरीके से चढ़ा हूँ यार, घुटने के बल मुझे लगी हुई है। खैर अभी इसको थोड़ा सा रस्सी को खींचता हूँ और इधर कहीं लगाते हैं इसको। हिलेगा भी नहीं, यहाँ से बहुत मजबूत किया है, और यहाँ से देखें फुल जो है ना टाइट वाला काम हो गया, और देखें कितने खतरनाक तरीके से मैं ऊपर चढ़ के ना इसको मैंने बांधा है। तो गाइज अपने बर्ड्स के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। अभी देखें ये बिल्कुल जो है ना ठीक हो चुका है, मतलब ये टेढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है, और इसके ऊपर अभी हमारे कबूतर बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो आस्ते आस्ते अभी जाता हूँ छत पे और कबूतरों को ऊपर बैठाने की कोशिश करता हूँ। जो नए कबूतर होंगे ना वो भी जो है ना इसको देख के आया करेंगे। अभी यहाँ से मुझे नीचे उतरना है, यहाँ पे चेक करें हड्डियाँ पड़ी हुई हैं कितनी खतरनाक किस्म की, ये जो जिन्नात होते हैं ना इसको खाते रहते हैं इस तरह की हड्डियाँ को। हाथों की क्या हालत हो चुकी है, अभी जल्दी से हाथ धोते हैं और फिर मैं अपने कबूतरों को जो है ना वो ऊपर लेके जाके छोड़ता हूँ डंडे के ऊपर बिठाते। छोटी सी एक बैड लक हो गई है, आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारी जो डव्स है ना इसने इसको फीडिंग करवाना छोड़ दिया था और जिसकी वजह से जो है ये मर गया आज। ये देखें ज़रा इतना बड़ा होके ये मरा है ना, ये ठीक से नज़र आ रहा होगा, हमारे चुन्नू की डेथ हो गई है। और दोस्तों हमारा मुन्नू जो है ना माशाल्लाह ये खुद खाने लग चुका है और खुद ही ये बाहर जाता है, अंदर आता है, खुद खाना पीना इसने शुरू कर दिया है। अभी देखे थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग गया ये। तो मुन्नू जो है इसका साथ वाला साथी मर चुका है, लेकिन ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। गाइस अभी जो है ना कबूतरों को ऊपर लेके जाते हैं डंडे के ऊपर बिठाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो उड़ने वाले कबूतर है ना वो इसके ऊपर बैठते हैं या नहीं। केड़ा ला पट्टा था मोतियाला दो केड़े थे अपने गोल्डन पट्टा जो मैं आंदा है ना उधर माशाल्लाह सोना उड़ना लग गया। सारे कबूतर यहाँ पे हैं और छह दाने हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, दो कबूतर उस साइड पे बैठे हैं। जुड़ने वाले कबूतर हैं वो जब यहाँ पे आएंगे तो फिर हम इनको उड़ा के ना ऊपर डंडे के ऊपर बिठाने की कोशिश करेंगे। एक कबूतर अभी वो सामने जा रहा है और अभी दो कबूतर जो है ना वो उड़े हैं, एक सियालकोटियस के अंदर और एक जो है वो अपना गोल्डन वाला कोई कबूतर है। डब्स को देखें अभी बच्चे के पास आ रही हैं जब ये मर चुके हैं। अभी हम जाके देखते हैं हमारे जो यहाँ पे दो बच्चे निकले हुए थे ना उनकी क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बच्चा ये है वाइट वाला और दूसरा बच्चा ये है ब्लैक वाला, ब्लैक एंड वाइट। ये चेक करें गाइज हमारा पहला कबूतर जो है ना वो ऊपर जाके बैठ चुका है, और ये किरा कबूतर का है सियालकोटी नवें जड़े आने ना बच्चा कोई लगता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा एक चूज़ा बीमार हो गया यार, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये देखें बहुत ज़्यादा ही बीमार है। इनको जो है ना सुबह के टाइम मैंने मेडिसिन भी दी थी मल्टीविटामिन, लेकिन ये बेहतर नहीं हो रहा और इसी तरह से इसकी कंडीशन है। हमारे माशाल्लाह सिल्की चूज़े जो है ना दोनों माशाल्लाह से ठीक हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला चूज़ा, ये दोनों ठीक हैं, वो वाला एक चूज़ा बस बीमार है। अच्छा तो अभी जो है ना कबूतर अंदर आ गए थे सारे, इनको अभी बाहर निकाल के और जो वहाँ पे बैठे हैं ना वो भी थोड़ी देर तक यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ये दूसरा कबूतर हमने फेंक दिया और देखते हैं कि ये बैठेगा ऊपर या नहीं। ये वहाँ पे जाके बैठ गया, आया आया आया, बैठेगा अभी बैठेगा।
ये वाला। हाँ ये चेक करें गाइस, एक कबूतर आया हुआ किसी का। हेलो हेलो, हाँ अभी एक कबूतर आया हुआ है फुल ब्लैक कलर में, जो है ना ऊपर चक्कर लगा रहा है। अभी हम साइड पे होकर बैठ गए हैं ताकि वो जो है ना यहाँ पे आए, हम उसको पकड़ लें। हमने कर लेना लगे था, अभी हम जो है ना उसको उतार रहे हैं किस तरह से ये उतर जाए। थोड़े से हमारे कबूतर वहाँ पे बैठे हुए हैं और थोड़े से कबूतर बाहर हैं। अंदर आ रहे थे ना, कभी बाहर कटे कोई क्या ये चेक करेंगे गाइस, बिल्कुल ऊपर आ गए। ये देखें उस साइड पे गए। हाँ किधर का? हेला हेला हेला, ये चेक करेंगे गाइस, ये आ गया, ये आ गया, ये आ रहा है। ये हमारे घर के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है और ये जो है ना थोड़ी देर के अंदर ही उतर जाएगा इंशाल्लाह। आया ये आया भाई साहब, कबूतर हमारे छत पे उतर रहा है। अभी जो है ना हमने कबूतरों को हल्का हल्का जो है ना हलचल करवाइए ताकि इनको देख के ना वो जल्दी से नीचे आ जाए। लेके लेके हमारे थोड़ा ही दाना भाई ले लो, अभी जो है ना थोड़ा सा दाना डालना पड़ेगा। देखिए अभी दाना खाने के लिए नीचे आएंगे, वो उसको देख के चले जाएंगे। सो गाइस अभी जो है ना मैं अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, ताकि कबूतर हमारे कबूतर हमें देख के डरे ना और वो नीचे उतर आए। अभी जितने भी कबूतर हैं ना सारे बाहर निकले हैं, सिर्फ एक या दो दाने अंदर हैं। सो गाइस आई एम सो एक्साइटेड, पता नहीं पकड़ा जाएगा या नहीं, वेट को कर रहे हैं, देखते हैं। चक्कर लांदा लगेगा, ले लो ये कर लेते। अभी कबूतर जो है ना इनको दाना शाना डाला है ताकि जो है ना वो खाने लग जाएं और इनको देख के वो भी नीचे आ जाए। क्या होती है इसके ऊपर नज़र रखी हुई है। अभी यहाँ पे उड़ा था, पता नहीं, आई थिंक उस साइड पे कहीं चला गया, ये जो है ना उस साइड पे चला गया। हाँ अभी जो है ना हमारे तकरीबन 6 कबूतर उड़ रहे हैं इस टाइम, जिसमें 2 शिराजी हैं, 2 और बाकी कबूतरों को जो है ना वो दाना चना डाला है। एक शिराजी नीचे और एक ही ऊपर है, ठीक है, वो सामने उड़ रहा है ये ब्लैक वाला। यार ये हमारा पेयर काफी टाइम से जो है ना मतलब लगा हुआ है लेकिन ये अंडे नहीं दे रहे, पता नहीं इनका क्या मसला है। यार अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि हमारे कबूतर डंडे के ऊपर बैठ जाएं लेकिन अभी तक ये उड़ रहे हैं। ये बैठ के शिराजी अपनी जगह थी वापस आई है, वो वाला बैठ गया। ब्लैक वाला कबूतर हमारे हाथ से जो है ना वो निकल चुका है लेकिन यार अभी जो है ना हमारे जो कबूतर है वो डंडे के ऊपर बैठना शुरू हो चुके हैं। ये देखें 2 कबूतर हमारे बैठ चुके हैं, एक पहले भी बैठा था, 3 टोटल। ऐसे ऐसे जो है ना इनकी आदत बनती जाएगी, रोजाना इनको उड़ाएंगे तो फिर ये उतर के इसके ऊपर बैठा करेंगे। शिराजी तो यार पक्का अपनी जगह पे बैठा है, बाकी जो नए कबूतर थे उनमें से शायद 2 बैठे हैं। तो काफी खुशी हो रही है, हमारी मेहनत जो है ना वो रंग लाई है, मतलब हमारे कबूतर डंडे के ऊपर बैठना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं और मतलब अंडे देना उन्होंने शुरू नहीं किया लेकिन बहुत ज्यादा ये यहाँ पे खुश हैं। मतलब ये जगह बहुत अच्छी है, कच्ची जगह है और पानी में इनको खुला मिलता है यहाँ पे। मेरे बगैर जो है ना बहुत खुश हैं ये। जब मैं नीचे जाता था मेरे पास भाग के आया करती थी, अभी जो ऊपर है ना मैं आता हूँ तो मेरे पास आती नहीं है, शायद मुझसे नाराज होगी। यार खुशी हो रही है कि हमारे जो कबूतर है ना वो ऊपर यहाँ पे बैठना शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमारे सारे कबूतर लाइन पे यहाँ पे बैठे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाया करूंगा कि हमारे कबूतर लाइन पे बैठे हुए होंगे और मजे से जो है ना इनके पेड़ लगे होंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। तो गाइस काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका डक्की भाई कहाँ पे, ये देखें डक्की भाई नीचे घुसा हुआ है टैंकी के नीचे मजे कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह दोस्तों हमारे सारे कबूतर जो है ना इसके ऊपर बैठने के आदी हो जाएंगे बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में, और फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में, जाओ मैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।